हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉक और लखनऊ में ना एक बहुत अच्छा सा मेला लगा था काफ़ी छोटा सा मेला था तो यहाँ पे ना इस मेले में इस बार टिकट्स लग रहे थे ट्वेंटी रुपीज़ का एक एक पर्सन के लिए टिकट था तो ये उस जगह पे लगा था जहाँ पे गंगा का मेला लगता है हर साल तो मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी रात में बस एक रैंडम सा मतलब प्लान बन गया था जाने का तो हम गरीब गए थे नौ साढ़े नौ बजे के बाद गए थे और उस वक्त भीड़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी लोग वापस जा रहे थे और हम उस टाइम मेले में इंटर हो रहे थे तो ये ना हमेशा से मेरा एक बहुत वाला मतलब एक चाम रहा है कहीं पे भी मैं जाती हूँ तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ से ना कोई टॉय ले लूँ तो मैंने इस बार लिया नहीं और ये बैंगल्स बहुत पसंद आए थे मुझे बैंगल्स क्या बहुत हैवी वेटेड वाले थे ये लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि मैं इनको ना एक बार पहन के डाल देती हूँ फिर मम्मी बहुत गु़स्साती हैं बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी है मेरे पास जो मैं शायद लाने के बाद एक बार मैंने पहनी हो तो मैं कोशिश कर रही करी कि मैं ना फजूल चीज़ें खरीदने से बचूँ तो ये डेकोरेशन के पीसेस थे लेकिन मुझे इनकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी हाँ क्रॉकरी का सामान बहुत अच्छा था तो इसमें से मुझे कुछ चीज़ें पसंद आई थी तो बस मैंने वो ले लिया था और अच्छा लगता है ना कि आपको थोड़े से अपने फेवरेट आइटम्स को थोड़ा मतलब वेरिएशन के साथ में यूज़ करना ये ब्रेसलेट्स थे ये भी बस बहुत अच्छे नहीं थे बट टेन ट्वेंटी रुपीज़ में मिल रहे थे पान तो मैं ज़रूर देखती हूँ खाती नहीं हूँ मैं ये बिल्कुल भी और यहाँ पर ना वो हलवा और पराठा मिलता है आप में से किस किस को पसंद है ज़रूर बताना तो ये हमने लिया था लेकिन ये भी बहुत हाइजीनिक नहीं और झूला ओह माय गॉड मतलब मेले में ना उसकी जान होती है झूला तो मैंने बहुत देर तक खड़े हो बड़े आराम से झूला लोगों को देखा सब लाइन लगा के खड़े हुए थे ना टिकट के लिए तो मैं उनको देख रही थी कि इतना अच्छा लग रहा था उनको देख कर के वो झूले पे बैठते हैं लेकिन मैं झूले से बहुत डरती हूँ एक बार बैठ चुकी हूँ ड्रैगन वाले पे गर्मी बहुत हो रही थी इतनी ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा देर मतलब भीड़ कम होने के बाद भी बहुत ज़्यादा गर्म थी तो मैंने ना सिर्फ मेले में आइसक्रीम खाई थी क्योंकि मेले में चीज़ें बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होती हैं और क्या यूज़ करते हैं कौन सा प्रोडक्ट होता है कब का बनाया होता है बिल्कुल भी पता नहीं होता है तो मैं कुछ भी बाहर मेले में कभी भी नहीं खाती हूँ कोशिश तो करती हूँ कि कुछ भी ना खाऊँ और वैसे भी हम रात में गए थे तो बस मैंने ये आइसक्रीम खा ली थी दिल बहुत मार के और मैंने ना ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई साथ में मैं झूले को चलते हुए देख रही थी और चांद इतना प्यारा लग रहा था साथ में झूले के छोटा सा चांद दिखाई दे रहा था तो बच्चों को तो बहुत खुशी हो रही होती है मेले जाने की अगर आपकी फ़ैमिली में बच्चे हैं और आप तब उनको साथ लेके जाते हो तब तो, तो बात ही अलग है लेकिन हमारे साथ कोई छोटा बच्चा नहीं था फिर यहाँ पर ना भेल बना रहे थे क्या बोलते हैं इसको एग्जैक्टली तो ये भाई ने बनवा के अपने लिए ली थी ये भी कोई बहुत अच्छी थी बट अमेरिकन स्वीट कॉर्न बोलते हैं शायद इसको मुझे सही से याद नहीं पता है और ये ना बहुत ज़िद करके मैंने खाया था थोड़ा सा मैंने अपने लिए लिया था पर इसको भी मैंने आधा कर दिया था तो भाई लोगों ने खाया बस अच्छा बहुत होता है बहुत टेस्टी अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करिएगा और ये बैंगल्स काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रहे थे लेकिन बहुत मतलब हैवी वेटेड होते हैं ना ये देखने में तो बहुत सुंदर थे बट वेट बहुत ज़्यादा था तो एक मैंने ले लिया था ये मुझे किसी को गिफ्ट करना था तो बस बहुत ज़्यादा मेले में घूमने के लिए कुछ था नहीं और बाकी स्टॉल्स पे हम गए नहीं बस ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ तब तक ते...